हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आए हैं भोपाल में पीपल्स मॉल। ये हमारा करूत के पास है। यहाँ पे हमारे आपको 7 अजूबे देखने को मिल जाएंगे। 7 मोन्यूमेंट्स, यू कैन सी द 7 मोन्यूमेंट्स हियर। 7 वंडर्स, व्हाट आर दे? 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आए हैं पीपल्स मॉल भोपाल। ये हमारा करूत के पास सिचुएटेड है। करूत से 1 किलोमीटर दूर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एंट्रेंस है। यहाँ से आप आएंगे तो ये वाले ब्रिज के अंदर, ये वाले शिप के अंदर पार्किंग मिलेगी आपको। वहाँ से आप पार्किंग की पर्ची कटवा सकते हैं। बाइक की 15 रुपये और कार की 30 रुपये है। उसके अलावा फिर यहाँ से मॉल की स्टार्टिंग होती है। तो अब हम जाते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। As you can see, it is written the replicas of 7 wonders of world: Taj Mahal, Red Fort, Al Burj, Twin Eiffel Tower, Statue of Liberty, Gateway of India, Hotel Taj, Star Garden, and many more. Let's see how it will be. पधारी और आनंद की जिंदगी के साथ। ये भाई साहब, अगर रास्ता भूल जाओ आप इनसे पूछ सकते हो। इनके हाथ में चक्कू है, ज़्यादा मस्ती नहीं करनी। नाव में चढ़ना चुना सख्त मना। नाव के अंदर पानी भर गया तो डूबने वाली है नाव। ये किड्स जोन, गेमिंग जोन, सबके एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको झालर वालर चाहिए तो ऊपर से ले सकते हैं। आपको झालर चाहिए दिवाली के लिए तो आप यहाँ से निकालो। मस्त टिकट भी ले जाना पड़ेगा भाई, बताने का नहीं। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा झालरों का यूज हुआ है। फुल दिवाली मूड। इम्पोर्टेंट नोटिस: प्लीज कीप मूविंग स्ट्रेट फॉर टिकट्स काउंटर एंड लॉकर मल्टी फूड कोर्ट ऑल्सो। इसको गाइस, ये इतना खतरनाक, यहाँ पे एक एंटीक पीस रखा हुआ है। ये ट्रक है, लेकिन ये सच्ची में ट्रक नहीं है, ये वैक्स से बनाया हुआ है। अगर इसको छूएगा, इसमें छूना वैसा मना है, पर देखिए द रियलिस्टिक, सी द टायर्स, इट्स ऑल मेड अप ऑफ वैक्स। कितने रियलिस्टिक लगता है। सी पानी भी गिर रहा है ऊपर से, तो शायद वैक्स पिघल रही है मेरे ख्याल से। बोलना You see, people smart city. Taj Mahal, food court. रियलिटी क्या है? अच्छा, अभी आप कहाँ से टिकट लेनी है? अच्छा, ये सामने पीपल्स वर्ल्ड, इट इज अ क्यू फॉर द टिकट्स। हिंदी में बोलिए। हेलो गाइस, तब हमने एंट्री ले ली है। पीछे से हमने कोई बात नहीं, पीछे से हमने टिकट ली। ये जो गार्ड अंकल खड़े, इन्होंने टिकट वेरीफाई करी। सॉरी, जूम नहीं हो पाया। तब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे रेलगाड़ी, लाल किला। वो देखो सामने लिखा ताजमहल है। वो तो ताजमहल लाल कैसे हो गया इधर? ताजमहल प्रवेश द्वार, एंट्रेंस फॉर ताजमहल।
या तो गाइस सबसे पहले आपको ताजमहल दिखाते हैं। ताजमहल जाते जाते आप टिकट देख लीजिए, 60 रुपये की टिकट है, 2 लोगों को दी है इन्होंने। ये हमारा ताजमहल का प्रवेश द्वार, तो ये हमारा लाल किला था और ये सामने हमारा ताजमहल, हमारे भोपाल का ताजमहल। दूर से ठीक लगता है, पास जाके असलियत पता चल जाती है। इसके पीछे आप बुर्ज अल अरब की थोड़ा सा वो देख सकते हो, स्टेशन रेजिडेंशियल एरिया। जहाँ से हम गाइस अभी घुसे वो पीछे से ऐसा दिखता ताजमहल हमारा। इस साइड के लिए दिस इज द थिंग ताजमहल इन भोपाल गाइस। तो आपको ताजमहल में जाके अब आपको ऊपर दिखाते हैं ताजमहल का सीन। ये दिल के अंदर आप बैठ के फोटो ले सकते हैं। ये इतना टाइम हो गया इसको बने हुए, तो भी इधर काम चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो वैसे देखो बात ऐसी है, असली असली है, नकली नकली है, लोहा लोहा है, बुलुट बुलुट है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक है, गियर गियर है, मैनुअल मैनुअल, सॉरी मैनुअल मैनुअल है, ऑटो ऑटो है। आपको आना है, मस्त आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 60 रुपये की टिकट है, 15 रुपये की पार्किंग है, कार से आओगे 30 रुपये की पार्किंग है भाई। वो कोई दिक्कत लगे फोन कर देना, अपन समझ लेंगे, बहुत पहचान है भाई। नहीं मेरे मेरे भाई की क्या, भाई का भोपाल में दबदबा चलता है, भाई का सिक्का चलता है, कुछ नहीं चलता, कोई नहीं जानता मुझे भोपाल में, सब जानता है भाई का। बस नाम ले देना, सरने मत बताना। दो जूते पड़े रहेंगे, 4 पड़ेंगे, बैक में नहीं आ पा रही ये है। अगर आप रास्ता भूल जाए यहाँ पे, तो ये 4 ऐसे खड़े रहते हैं हर चौराहे पे। ये वो 4 लोग हैं जो हर बात को बोलते हैं ना, ये 4 लोग क्या कहेंगे, ये वही 4 लोग हैं। अरे ज्यादा जूम हो गया, तो इनसे 4 से रास्ता पूछ सकते हैं, अभी 4 बता देंगे आपको रास्ता। 5 भाई है, ये भाई है, तो इसे पकड़ ले, तो फिर 5वां भाई है। ये हमारा रेड फोर्ट, दिस वन इज लाल किला। Oh, you, oh, you, you, how come, sir, you, sir, sir, you. One autograph, sir, please. Sir, you please give me. One auto and one graph. Graph? Graph, graph. So guys, भाई का आप review ले सकते हैं। कैसा लगा आपको सर? Word बोलता हूँ, ये भाई video on कर देता है। Comment rate करनी पड़ती है, पूरी video, या फिर मैं add करनी पड़ती है। तो आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मैं ऐसा गदगद फूल रहा हूँ। What is this गदगद फूलना सर? गदगद फूलना मतलब मैं बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो रहा हूँ अंदर से। ओह अभी ऐसा रोने का मन कर रहा है। What is this? तो यहाँ पर भी कुछ कुछ है। चलिए ये क्या है? ट्रैकिंग दुकान है। गाइस हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग भी है, ट्रैकिंग ऑन द प्लेन। थोड़ा सा पहाड़ है, तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि हम शाम को आए थे, तो अभी अंधेरा हो चुका है और यहाँ लाइट जल चुकी है, ऊपर भी लाइट्स लगी हुई है गाइस। तो हम थोड़ा थोड़ी राय लेते हैं भाई की, कैसी लगी सर आपको लाइट्स, कैसी लगी? एक नंबर, मतलब कि पहले मुझे सूर्य की लाइट पसंद थी पीली वाली, पर जब से व्हाइट वाली मैंने इस पर देखी है, 100 वाट का बल्ब तो चूक गया भाई के ब्लॉग में आप देख सकते हो।
दल्ले के बच्चे, मैंने टैग किया इन चारों को। इन चारों के आपके ईमेल आईडी, फोन नंबर कुछ भी चाहिए व्हाट्सएप तो है। इफ यू वांट एनी कांटेक्ट, ये अपना ताज होटल सामने, ताज होटल विच इज इन मुंबई, जो ताज अटैक जो हुआ था 26/11, ताज अटैक हुआ था जो। ओके लेट्स गो। अबे एक साइड बैठो ना, मैं बहुत वजन है भाई, बैठोगे? बच्चों को बैठने दो, बच्चों को बैठने दो, बैठो बैठो बैठो, पूरा कंटेंट। तो गाइस अब बच्चे आ चुके हैं, मैं बच्चों को बिठा दिया है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वो धक्का मारने के लिए है ना भाई हमारा, ये देखो पावरफुल बॉय। रुको रुको बैठने दो बैठने दो भाई, 100 रुपये लगता है, ज्यादा भारी हो गया, मुझे उतरना पड़ेगा। अच्छा अच्छा 100 रुपये पैसे बता देना ना एंड में। बच्चों भैया को अंकल, अंकल है ना ये, अंकल है ना, बोलो अंकल कितने रुपए लोगे झुलाने के, बोलो। मेरे भाई नहीं है, पैसे लेंगे वो किसने, नहीं आपसे लेंगे पैसे, वरना आप शर्ट दे देना अपनी अपनी दोनों, ठीक है? नहीं क्यों, हाँ सौरभ भाई बहुत हो गया कंटेंट। अरे नहीं बस हो गया सौरभ बोलेगा, रुक जा मैं उतरने दे, आंटी आंटी उतर रही है। तो गाइस हम सुबह आए थे, अभी थोड़ी थोड़ी रात हो गई, अब आप देख दिन ही हो रहा है, कुछ नहीं देख सकते, पता नहीं कैमरा में क्यों दिन हो रहा है, पर अभी रात हो रही है। नहीं कैमरा अच्छा, आईफोन है, आईफोन 14 प्रो मैक्स 15 लेने वाला था, पर अभी आया नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आप देख सकते हैं भाई को रात हो चुकी है, थक गया भाई, पतला हो गया घूमते घूमते। भाई का कहना है कि भाई पानी की बोतल ले लेता, मेरा कहना ये पहले पानी पी लेता थोड़ा सा। या सो वी आर गोइंग एंड टेकिंग द वाटर बोतल गाइस, चलिए मैं आपको सिखाता हूं कैसे पानी लेते हैं। या सर आपको पानी मांगना सिखाएंगे, बड़ा भाई पानी की बोतल देना, क्या कुछ खाना है? ठंडी बोतल चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा, बड़े भाई पानी की ठंडी बोतल दे दो। थैंक यू भैया, भैया पैसे तो नहीं चाहिए ना? चाहिए चाहिए। ले इसमें से निकालना है, पानी पिलाना होता पुन प्रयान मांग ली पैसे, कोई बात नहीं। देख कितने की बोतल है, देखो ये वैसे 20 की मिलती है, पर यहाँ पे 30 की। हाँ यहाँ पे वैसे 20 की मिलती है कहीं भी, यहाँ 30 की है। तो हमारे चीज नहीं नहीं भैया बस पानी भैया ना, 20 ही कटे भाई, पूरा कंटेंट इकट्ठा करते हैं, हमारा दिन भर जाते हैं, क्रेडिट कर रहे जा देंगे भाई, तुम मिल जाती है देखो, कल अगर ऐसा रहा कि अगर वहाँ पानी उनका जेनेस हो गई डाल रहा है, जैसा कि देख सकते हैं आप, जा रहे हैं वापस बैक टू होम। या गाइस सो वी आर बैक गोइंग होम, दिस इज